गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। ए बॉयज सॉन्ग से पिछले क्लास में हमने चार क्वेश्चन किए, इसके बाद आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं ऐसे चार क्वेश्चंस जो आपके पूरे पोएम का यहाँ पे निष्कर्ष दे देगा कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, विच टाइप ऑफ लेसन्स वी ड्रा फ्रॉम द पोएम, यानी क्या ऐसी इस पोएम से हमें लेसन्स मिलता है, क्या इससे हमें शिक्षा मिलती है, किस तरह का इसका थीम है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये सारी बातें जो हैं वो इस पोएम से हमें मिलनी है। और क्वेश्चंस आफ्टर ऑल क्वेश्चंस वही बनने हैं जो क्वेश्चंस आपको मैंने पहले अपने नोटबुक में करवाए भी हैं, और वो नए स्टूडेंट जो आप इन्हें अपनी नोटबुक में तैयार कर लें, तो ये क्वेश्चंस बार बार अगर आप पढ़ते हैं तो ए बॉयज सॉन्ग से संबंधित जो क्वेश्चन अपने एग्जाम कैरी करता है वो सारे सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ जो फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट आर्टिकुलेट हिज व्यूज ऑन द बार्ड्स। इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हाउ डज द पोएट आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट होता है किसी भी चीज को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। तो ये कह रहा है कि कवि है वो अपने किस प्रकार के व्यूज जो है वो पक्षियों पर अभिव्यक्त कर रहा है, किस प्रकार का अपना जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रहा है, तो अपने व्यूज है, अपने आइडियाज है वो पक्षियों पर किस प्रकार का रखता है। तो ये बात तो हमने बार बार पढ़ी है कि वह पक्षियों के प्रति बहुत स्नेह जो है वो दिखाता है। तो आंसर में देखिए हाउ हम काट देंगे, डज भी यहाँ पे हटेगा। आंसर देने का आपको एक तरीका लेना होगा कि जैसे ही डज हटाओगे आगे कहीं ना कहीं देखोगे कि सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब होती है उसके साथ डज हटने पर एस या ईएस लगता है, जैसे ई यहां पे ऑलरेडी लगा है तो आपको लगाना क्या है, केवल एस लगाना है। तो यहां पे देखिए ठीक वैसा ही हुआ है, द पोएट आर्टिकुलेट्स, ये आर्टिकुलेट था यहां पर, अब आपने क्या कर दिया, आर्टिकुलेट्स कर दिया, आर्टिकुलेट्स हिज व्यूज ऑन द बर्ड्स। यहां तक आप पर्सन की जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है वो आपने उतार दी। इसके बाद कहा बाय मेकिंग एन इमोशनल बॉन्ड विद देम। तो देखो यहां ये आंसर हो गया, बाय मेकिंग एन इमोशनल बॉन्ड विद देम। इमोशनल बॉन्ड, बॉन्ड होता है एक बंधन, यानी बहुत ही गहरा संबंध जो है, एक गहरे बंधन के बारे में यहां पर ये चर्चा कर रहा है कि हम बहुत ही गहरा बंधन जो है वो रखते हैं। बाय मेकिंग यानी बनाना, एन इमोशनल बॉन्ड यानी एक भीतरी बंध, एक बहुत ही अच्छा जो है गंभीर बंधन जो है, एक अच्छा बंधन विद देम यानी पक्षियों के साथ। तो पक्षियों के साथ एक अच्छा बंधन, एक गहरा बंधन बनाने के लिए बात कवि यहाँ पे करता है। ही फेवर्स द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, वह किन पक्षियों के फ्रीडम की फेवर लेता है। ही फेवर्स यानी वह पक्ष लेता है किनका, ही फेवर्स द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, वह पक्षियों के स्वतंत्र होने का फेवर लेता है। ही इमेजिन्स दैट, वह कल्पना करता है कि ही इज फ्लाइंग हायर ऑन द ईगल विंग्स। देखो यहां पर यह बात भी जानकारी में मिली कि वह ऐसी कल्पना करने लगता है कि बाज के पंखों पर वह फ्लाइंग कर रहा है यानी उड़ रहा है। तो ऐसा भी हमें यहां पर पढ़ने को मिला था। ही फील्स ब्लूटीड सॉन्ग इन हिज हार्ट, और उस समय वह अपने हृदय के भीतर जो है ब्लूटीट का गाना भी है वो सुनता रहता है, इट मीन्स ब्लूटीट का जो सॉन्ग है वो भी उसके दिल में गूंजता रहता है। तो एक इमोशनल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे वह प्रस्तुत करता है। तो आपको आंसर का सबसे मुख्य कड़ी है बाय मेकिंग एन इमोशनल बॉन्ड विद देम, ये बात आपको यहाँ पे जानकारी में देनी है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रखा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पोएट ऑफ द सिंगिंग ऑफ द ब्लूटीट। देखिए क्वेश्चन घूम फिर करके वही बनते हैं, क्वेश्चन आफ्टर ऑल ब्लूटीट पे बनेंगे, ईगल पे बनेंगे। अभी ऊपर जो क्वेश्चन किया गया कि कवि का आइडियाज क्या है, दृष्टिकोण किस पक्षियों के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण है, तो एक इमोशनल बॉन्ड वाला है। अब ब्लूटीट के बारे में फिर से पूछ लिया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पोएट ऑफ द सिंगिंग ऑफ द ब्लूटीट, ब्लूटीट के गाने का कवि पर क्या असर पड़ा। तो कवि बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, कवि का हृदय जो है वो काफी यूं कहे कि गदगद हो जाता है, बहुत ज्यादा वह जॉय फील करता है। ये सब बातें वापस लिखनी है।
द सिंगिंग ऑफ द ब्लू टीट, ये देखिए आपने ऐसे उठा लिया, द सिंगिंग ऑफ द ब्लू टीट फील्स यानी भर देता है द पोइट्स हार्ट, यानी कवि का हृदय भर देता है विद जो, यानी किससे, खुशी से, प्रसन्नता से भर देता है, एंड मेक्स हिम हैप्पी, और उसे खुश कर देता है। तो ये सब बातें जो ऊपर हमने पढ़ी थी, वापस ऐसी ट्यूनिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज होकर के रिपीट हो रही है कि ब्लू टीट के गाने का उस पर क्या फर्क पड़ा, कवि पर क्या असर होता है। तो कवि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, ही फील्स हैप्पी, इट मेक्स हिम हैप्पी, उसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर देता है, उसका हार्ट है वो जॉय से जो है वो फील्स यानी क्या हो जाता है, भर जाता है। ये सब बातें सातवें क्वेश्चन में देखो, व्हाई डज द पोएट वांट टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली, कवि जो है वो ऐसा क्यों चाहता है कि पक्षी आसमान में खुले रूप से स्वतंत्र रूप से उड़ने का कार्य करें, तो ऐसा क्यों चाहता है। तो आपको अभी अभी बताया कि कवि जो है वो पक्षियों से बेहद प्रेम करता है, कवि कभी नहीं चाहता कि पक्षियों को जो है वो कैद खाने में रखा जाए, उन्हें एक पिंजरे में बंद किया जाए, यानी इसका बार बार यही बात कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे कवि क्यों चाहता है, वाई डज द पोएट वांट टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली, तो जब क्वेश्चन वाई से शुरू हुआ है वाई हटा दीजिए, डज भी हटेगा, डज हटेगा तो जो वांट है उसके साथ में एस लग जाएगा, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे, सॉरी आंसर ऐसे बन जाएगा, द पोएट वांट्स टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली, यहां तक आप आ जाओगे। फिर आपको बिकॉज लगाना है, फिर क्या कहोगे, ही इज ए ग्रेट लवर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बर्ड्स, वह पक्षियों के स्वतंत्रता का बहुत बड़ा प्रेमी है, यानी वह पक्षियों को स्वतंत्र उड़ते देखने का बहुत ज्यादा, यूं कहें कि एक ग्रेट लवर है, वह उन बाहर स्वतंत्र उड़ने देना चाहता है। तो बिकॉज ही इज ए ग्रेट लवर ऑफ द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, ऐसा आपको जवाब में लिखना है। इट गिव्स जॉय ऑल द टाइम, ये उसे हर समय क्या देती है, प्रसन्नता देती है, ये क्या, उनकी स्वतंत्रता उसे हर समय खुशी देती है। ही डज नॉट लाइक टू कीप देम इन केजीज, वह नहीं पसंद करता, वह नहीं चाहता कि उन्हें पिंजरे में क्या किया जाए, बंद किया जाए। तो ऐसा आपको बताना है, यानी सीधी सी बात हो गई कि द पोएट वांट्स टू सी देम फ्री, वह उन्हें स्वतंत्र देखना चाहता है, इन ऑल टाइम, हर समय वह उन्हें स्वतंत्र देखना चाहता है, ही इज ए ग्रेट लवर। अच्छा जी, नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन जो यहाँ पे किया गया है, आठवें क्वेश्चन में मैंने देखो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन साथ जोड़ दिए गए हैं, दो क्वेश्चन साथ हो गए या तीन कह दो, व्हाट लेसन्स डू यू ड्रॉ फ्रॉम द पोइम, यहाँ लेसन्स का मतलब क्या है, लेसन्स का मतलब इसमें से जो इस सीख मिलती है, जो इसका यहाँ पे यूं कहें कि कोई खास ऐसी बात जो है वो आपने इस पोइम से क्या निकाली, क्या ड्रा की, इससे क्या लेसन्स जो है, क्या मोरल आपने यहां से ड्रा किया। तो यहां एक बात तो ये पूछ लिया कि इससे लेसन्स क्या मिला, इससे क्या सीख मिली इस पोइम से, यानी ए बॉय सॉन्ग से। अब आगे कह रहा है, और अथवा व्हाट इज द थीम, इसका थीम क्या है, तो यहां पे ये थीम की भी बात कर रहा है कि व्हाट इज द थीम थीम ऑफ द पोइम या सेंट्रल आइडिया। अब आपके एग्जाम में क्या होता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम कर सकता है या फिर सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम कर सकता है, इसमें आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज द थीम, इसमें आप ई और जोड़ लेना। चलो ये यहां पे कर लिया गया, व्हाट इज द थीम। तो नेक्स्ट आपको, यानी इसमें तीन क्वेश्चन हो गए ऐसे, व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया या व्हाट लेसन्स, तो यहां ये शब्द बदले हैं केवल और बात वैसी की वैसी रहनी है जैसा होना है। अब इसकी थीम क्या है, थीम भी वही है जो यहां पे हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये ई यहां पे मैं लगा देता हूं, व्हाट द थीम, तो द थीम ऑफ द पोएम इज दैट। अब जब आंसर देना स्टार्ट करोगे तो इस तरह से कर लीजिए, यानी द थीम ऑफ द पोएम इज दैट, यानी इसका
थीम यानी विषय वस्तु, इसका विषय वस्तु है कि वी शुड नॉट सेट नेट फॉर द बर्ड्स। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इस पॉइंट से यही निकलना है कि वी शुड नॉट सेट, हमें सेट नहीं करना चाहिए, सेट यानी बिछाना, हमें नहीं बिछाना चाहिए, क्या नहीं बिछाना चाहिए, नेट नहीं बिछाना चाहिए फॉर द बर्ड्स यानी पक्षियों के लिए, ये इसकी थीम है। यानी हमें उन्हें पकड़ना नहीं चाहिए, ऐसा हमने पोएम के शुरू में पढ़ा था। यानी पोएम का फर्स्ट लाइन ये था, बिकॉज आई डू नॉट कैच द बर्ड्स, ऐसा जो यहाँ पे आया था, ये शुरुआती लाइन में जो ये बात कही थी कि वही बात यहाँ पे कहा, वी शुड नॉट सेट नेट फॉर द बर्ड्स, कि हमें पक्षियों को जो है वो नहीं, उनके लिए जाल नहीं बिछाना चाहिए, वी शुड लेट देम फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, और हमें उन्हें उड़ने देना चाहिए, वी शुड लेट देम फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, हमें उन्हें खुले आसमान में फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से क्या करना चाहिए, उड़ने देना चाहिए। तो ये इसकी थीम है, यही इसका लेसन्स है, और यही इसका जो है सेंट्रल आइडिया है। आगे कहा कि फ्रीडम इज डियर टू बर्ड्स ऑल्सो, पक्षियों को जो है वो स्वतंत्र रहना बहुत पसंद है। डियर का मतलब है पसंद, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, इज डियर यानी जो यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छा, जिसको बताएं डियर यानी या प्रिय कह दो, फ्रीडम इज डियर टू बर्ड्स ऑल्सो, ये फ्रीडम पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है। इन द पोइम, कविता में द पोइट टॉक्स अबाउट द टू बर्ड्स, कविता में कवि ने कितने पक्षियों की बातचीत की है, कवि ने यहाँ पे दो पक्षियों की बात की है, ब्लू टीट एंड ईगल, ये आप बता दोगे। ही इमेजिन्स दैट, वह कल्पना करने लगता है कि ही इज फ्लाइंग हायर एंड हायर, वह कल्पना करने लगता है कि वह काफी ऊंचाइयों पे उड़ रहा है, ऐसे ही इज फ्लाइंग हायर एंड हायर ऑन द ईगल विंग्स, कि वह बहुत ऊंचाई पे आसमान की ऊंचाइयों में वह ईगल के विंग्स पे यानी बाज के पंखों पे क्या हो रखा है, सवार हो रखा है, ऐसी बात यहाँ पे कही गई। अब जब वह सवार हो रखा है, इसका मतलब बाज अकेला नहीं उड़ रहा है, कवि अपने एक इमोशनल बॉन्डिंग जो यहाँ पे शो कर रहा है, यानी वह इतनी अच्छी उनके साथ जुड़ाव रखता है, एक अच्छा बॉन्डिंग रखता है कि वह जब बाज आसमान की ऊंचाई में उड़ रहा है तो वह भी ऐसे मन ही मन सोचने लगता है कि वह भी उसके साथ उड़ान में शामिल हो रखा है। अब जब वह उड़ रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि कभी बड़े पक्षियों के साथ हो रखा है, कभी उस समय छोटे जो झाड़ियों पे बैठने वाली जो ब्लूटीट्स हैं, जो छोटे पक्षी हैं, उन पक्षियों के बारे में भी उस समय याद रखता है। ही फील्स ब्लूटीट सॉन्ग इन हिज हार्ट, उस समय वह ब्लूटीट के गाने को भी अपने दिल में क्या है, महसूस करता है, यानी उसके गाने को भी वह उस समय याद रखता है। तो स्टूडेंट्स, मैं सोचता हूँ कि इस तरह से आपको आंसर देने हैं, ग्रामेटिकली आपके आंसर जो है वो सही होने चाहिए, वर्ड्स आप बदल सकते हो, आप अन्य अन्य जो पहले मैंने बुक्स में लिखा है तो कोई वर्ड्स हैं मैंने चेंज किए, अभी आप दूसरे वर्ड्स देख सकते हो, ऐसा आप यानी क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ करके आप सरल भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करके अपना यानी आंसर ग्रामेटिकली क्या होना चाहिए, सही सही होना चाहिए, और जवाब लंबा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट आपको आंसर करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आंसर सही होगा, और आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स का अपना वैल्यू रखते हैं, तो यह 2 अंक जो हैं वो आप आराम से हासिल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो आगे जो है वो अपने नेक्स्ट क्लास में अगला जो पॉइंट पढ़ते हैं, आप रेगुलरली जो है वो क्लास अटेंड करें और अपना कार्य करते रहें ताकि आपको अच्छी से सफलता मिल सके। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे इग्नोर ऐसे करने लगते हैं कि मैं बाद में पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं होता, आप अपना स्टडी रेगुलर रखिए और हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरह से तैयार करते रहिए। अभी आपने इस पोएम को पढ़ा, अगर आप रोजाना 30 से 40 मिनट या 1 घंटा जितना भी समय आप अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को दे रहे हो, जिस तरह का सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो मैं सोचता हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो रही है, बहुत अच्छी चल रही है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने कार्य जो यहाँ पे पढ़ा, हम आगे जो है वो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।